देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा लगातार रिजल्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस द्वारा एक अनूठा प्रदर्शन डीएवीवी में किया गया, जहां कांग्रेसी 20 लाख के नकली नोट लेकर पहुंचे और रजिस्ट्रार की टेबल पर रख दिए। दरअसल बीएड के खराब रिजल्ट को लेकर विरोध जारी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा रीटोटलिंग और रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जारी किया, लेकिन कई बच्चे अब भी असंतुष्ट है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने डीएवीवी में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने डीएवीवी में नोट तंत्र चलाने का आरोप लगाते हुए रजिस्ट्रार की टेबल पर सांकेतिक रूप से करेंसी नोट रख दिए। इस पूरे मामले को लेकर रजिस्ट्रार अनिल शर्मा ने कांग्रेसियों द्वारा किए गए इस तरह के प्रदर्शन को अमर्यादित बताते हुए कुलपति से शिकायत करने की बात कही है। वही आज एक प्रदर्शन के नोट तंत्र की बात के लिए आरोप लगाया। देखिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के निरंतर जितने भी रिजल्ट जारी होते हैं, उन रिजल्टों में कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य दांव पे लगाने का काम करते हैं और निरंतर कहीं ना कहीं कई बार आरोप लगते हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर कि वो नोट तंत्र चल रहा है, शिक्षा तंत्र यहाँ पे खत्म हो चुका है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय माँ देवी अहिल्या के नाम पर है, इसलिए हम बार बार आकर इनसे विनम्र आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप ये नोट तंत्र बंद करके शिक्षा तंत्र पे काम करें। पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज इसलिए हमने सांकेतिक रूप से एक नोट ला के उनके पास रखे और उनको बताया कि अगर आपने अगर ये काम बंद नहीं करा तो ये नोट तंत्र आप ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में नहीं चल पाएगा। देखिए, वो तो अपनी गलती छुपाने के लिए कई तरह की बातें करेंगे। लोकतंत्र में हमें अधिकार है कि हम आंदोलन प्रदर्शन करें और उसी के तात्पर्य पर जैसे उन्होंने कहा कि नहीं यार आप ये नहीं करें तो हमने तत्काल वो नोट वापस रख लिए। अगर हम चाहते तो नोट उड़ा भी सकते थे, मगर उस पर महात्मा गांधी जी का चित्र होता है। हम ये काम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है और हम तमाम तरीके के बिल्कुल मर्यादित तरीके से हमने उनसे बात करी। आप सब लोग देखने वाले थे कि हमने कितने मर्यादित तरीके से, मगर वो एक भी बात का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि नोट तंत्र देखिए ये सांकेतिक रूप से थे। ये नोट बच्चों के बैंक बच्चा बैंक के नाम से बनाए जाते हैं और शहर के अंदर बिकते भी हैं। तो 20 लाख रुपए करीब थे वो जो हम इनको देने आए थे। मैं विवेक खंडेलवाल, प्रवक्ता इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आए थे सर, एक मांग रखी उन्होंने बीएड के एग्जाम को लेकर, क्या मांग थी लोगों की? चल मैं बीएड के जब रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद विभिन्न छात्र संगठन भी आए, उसमें युवक कांग्रेस के लोग भी थे, का यह कहना था कि छात्रों का जो परीक्षा परिणाम है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स में वैल्यूएशन ठीक से नहीं हुआ, अधिकांश बच्चे फेल हुए हैं। छात्रों की और सभी संगठनों की मांग पर विचार करके विश्वविद्यालय ने, कुलपति जी ने यह निर्णय लिया कि इनकी कॉपी जो है वो हम फिर से उसका वैल्यूएशन करवा लें। तो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनर्स के पास कॉपियाँ भेज कर उसका मूल्यांकन भी करवाया गया। जब मूल्यांकन करवाया गया तो रिजल्ट में परिवर्तन जो है वह बहुत माइनर करेक्शंस हुए, फिर भी छात्र हित में उस माइनर करेक्शंस को भी एक्सेप्ट करते हुए विश्वविद्यालय ने रिवाइज रिजल्ट भी उसका निकाल दिया। अब उस समय भी जो चर्चा हुई थी छात्रों के साथ भी हुई थी, छात्र संगठनों के साथ भी हुई थी, बात यही हुई थी कि जब थर्ड एग्जामिनर अपना वैल्यूएशन दे देगा तो वो उससे संतुष्ट हो जाए। अधिकांश छात्र संतुष्ट हो चुके हैं, कुछ ग्रुप्स के साथ आ जाते हैं फिर वही बात कहने लगते हैं। यदि विद्यार्थी ने अपनी कॉपी में ही नहीं लिखा है तो एग्जामिनर उसको कैसे नंबर देगा? सर पैसे को लेकर आरोप लगाए हैं, कड़ाई की विश्वविद्यालय में नोट तंत्र काम कर रहा है, पैसे की गड्डियां भी टेबल पर जमा दी गई थी, वो बिल्कुल गलत बात है और बिल्कुल ये अमर्यादित भी है। मैंने आप लोगों के समक्ष उनसे आग्रह भी किया कि आप लोग गरिमापूर्ण व्यवहार करें, एक बात। दूसरा, यदि कोई इस तरह की बात है तो आप तथ्यों और प्रमाण के साथ आरोप दें, विश्वविद्यालय जाँच करवाएगा और जो भी दोषी रहेंगे हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सर ये जिस तरह का व्यवहार किया है इसकी शिकायत कहीं कराएंगे सर आप? पैसे रख दिया सीधे टेबल पे, ये कुलपति जी से चर्चा करके इस पर निर्णय लेंगे। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।